सारा खुशियाँ लेके आए ये त्यौहार आपके जीवन में, और कैसे मनाए हमने दिवाली। वीडियो एंड तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज इवनिंग से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह से वही अपना काम लगे हुए थे, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई जो था और सजावट भी, थोड़ा बहुत साफ सजावट भी था। तो सजावट में तो जो ज़्यादा कुछ था तो वो कल ही कर चुके थे, कल दोपहर में साफ़ सफाई का था और शाम से जितना कुछ मंदिर की लाइट लगाना था, बाहर लाइट लगाना था, वो सब कल ही कर चुके थे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो बचा था, और सबसे मेन एक चेंज किए हैं जो कल आपको दिखाए थे कि बिस्तर ऊपर डाले थे, तो उसका चेंज कर दिए हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए, दोनों कमरे मेरे चेंज हो गए हैं, तो चेंज होके कैसे लग रहे हैं। इस वाले कमरे में बेड ला दिए, और ये वाला सोफ़ा, एक ये और एक ये है, तो पूरा इस कमरे का चेंज कर दिए। साफ़ सफाई तो खैर हुई थी, लेकिन जब हटाओ तो थोड़ा बहुत गंदगी तो निकल ही जाता है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया सारे अलमारी का, और नीचे वाले में पर्दा लगा दिए, क्योंकि नीचे वाले में कुछ भी थोड़ा बहुत रखे रहो सामान ना, तो गंदा गंदा दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। वाला सोफ़ा इसमें ला के रख दिए, यहाँ पर जहाँ बेड था। इस कमरे का भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग फिर से करना पड़ा, और यहाँ पे जो भी पूजा का सामान है सब यहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी तो उसका कुछ नहीं करेंगे। मेन काम आज का था, बाकी तो जो धोना और ये सब करना वो तो मतलब था ही सुबह का, और अभी आज इवनिंग से वीडियो इसीलिए इवनिंग से स्टार्ट किए कि सुबह से वही लग रहा था क्या साफ़ सफाई का दिखाना, आज दिवाली है तो दिवाली के तैयार होके पूरा अच्छे से फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ पूरा अच्छे से तैयार, बहुत कम ऐसा हो पाता है, काम इतना ज़्यादा रहता है कि आज के दिन तैयार होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर उसी में लगता है कि थोड़ा बहुत समय निकाल के। और मेन किचन का काम ख़त्म कर लिए हैं, केवल कचौड़ी तलना है, तो वो अभी किचन में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे क्या क्या बनाए हैं। और बाकी सारे काम ख़त्म हो गए, अभी जो भी है दिया जलाने का, तो सबसे पहले तो हम लोगों को सबसे पहले जो मिट्टी का दिया होता है सारे देवी देवता के लिए, वो जलाते हैं, और उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत अपना काम करके जो भी जो डेली वर्किंग की चीज़ रहती है, जैसे अब तो सील लोढ़ा यूज़ नहीं होता, मोबाइल पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो जाता है, और इस साइड से मोबाइल पकड़ते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा जैसे गूंजता है, और इस हाथ से पकड़ते हैं तो इससे थोड़ा दूर भी हो जाता है। तो वही है जो सील लोढ़ा, और गांव में तो खल होता है, मतलब खल ओखल जो होता है ओखल, और मतलब बहुत कुछ ऐसे चीज़ें रहते हैं जिनको हाँ सूप जिसे फटकते हैं। तो जब गांव की बातें करो तो खुद ब खुद कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं। ये सब चीज़ों का रहता है ना कि मतलब शाम से उनको उल्टा करके रख देते हैं कि अब इनको आज इनसे कुछ भी काम नहीं लेंगे। तो मतलब मम्मी लोगों का रहता था कि जो भी पीसने का काम है या मतलब सूप का जो भी काम है तो वो सब करके और उनको उल्टा करके उस पर दिया जलाते हैं। तो यहाँ पे तो खैर रखे हैं सील लोढ़ा, हम भी रखे हैं लेकिन यूज़ तो नहीं करते, लेकिन उसको उल्टा करके और उस पर दिया जलाने का, तो पहले ये सब काम होता है, और इसके बाद फिर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती है। तो पहले तो चलते हैं वो पूजा कर ले, और पहले अपना पूरा लुक दिखा दे आपको। और बहुत बहुत मुझे खुशी हुई, इतना मतलब मिल गया समय, खाना भी बना लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा किचन का रहता है, अगर खाना ना बनाए रहो ना तो कोई काम करने में मन नहीं लगता, लगता है जल्दी जल्दी करें, खाना बनाना है। तो इसीलिए सबसे पहले उसका काम ख़त्म कर लिए, क्या अगर ये काम हो गया रहेगा ना तो फिर अच्छे से अभी अच्छे से तैयार हो गए हैं, और अभी ओम से बोलते हैं, पूरा लुक दिखाएँ। थोड़ा बहुत बनवाए हैं, पता नहीं कैसा बना है, तो जैसा भी बनाए होंगे आपके साथ शेयर कर देंगे। और कुछ इस तरह से है, और बच्चे अभी हो रहे हैं तैयार।
गेट पे दिखाए हैं आपको। बाहर तो जाके लाइट नहीं दिखा सकते, अच्छा नहीं लगता है बाहर, क्योंकि अब सब लोग अपने अपने दरवाजे पे बाहर पटाखा छुड़ा रहे हैं और पटाखा से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो बाहर की लाइट तो नहीं दिखाएंगे। इसे बोलेंगे, देखते हैं ये अगर बना लेंगे तो। इसको यहाँ पे लगा दिए हैं, तो पिछली बार का गोला देख रहे हैं, गोला वाला निशान बना हुआ है, तो इस बार का कुछ इस तरह का लाए थे। गेट का यही किए हैं, बस इसको लगा दिए हैं और किचन में चल के आपको खाना दिखा देते हैं। ये लोग दिया लेके गए हैं छत पे, जो था यहाँ वाला जो देवी देवता का रहता है, सारे मतलब देवी देवता का याद करके जलाना रहता है, तो वो तो जला लिए हैं। और बाकी ये लोग छत पे ले गए हैं सरसों तेल डाल के, तो वो छत पे और अपना मोमबत्ती लगाएंगे। तब तक खाना दिखा दे आपको क्या क्या बनाए हैं। खाना में सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जो आज के दिन बनता है, पता नहीं हर जगह बनता है कि नहीं, हम लोगों के यहाँ तो बनता है। ये है जो सूरन लाए थे उसका चोखा, तो पहले तो सोचे थे इसकी सब्जी बना देंगे और इसी की सब्जी और कचौड़ी छान देंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो बना दिए हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब टेस्ट बस करा देंगे क्योंकि आज उसको खाना ज़रूरी रहता है, तो बना दिए हैं। और ये पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी बनाए हैं। आटा लगा के रख दिए हैं और साथ में प्याज भी काटे हैं। अभी किचन का काम हो गया है, बस अब चलते हैं पूजा की पहले तैयारी कर लें, फिर सब लोग बैठेंगे साथ में पूजा करेंगे। पूजा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मिठाई दिखा दें, तो ये त्यौहार मुझे मिठाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी पटाखा से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये है सारी मिठाई, तो ये सारी मिठाइयाँ हैं, तो इसमें से सब में से भोग लगाएंगे बच्चों का देखिए अपना, मेरे बच्चे बस यही, अभी वो जो है चकरी लाए हैं वो तो वो छोड़ेंगे, तब तक मोमबत्ती जला रहे हैं और दिया, कुछ दिया लगा दिए हैं कुछ मोमबत्ती। तो ये है सामने का, देख लीजिए सामने की लाइट, आराम से वीडियो बना सकते हैं अपने वाले के लिए। आगे जाओ गेट पे तब जाके ऐसे ही देख लीजिए यहाँ से थोड़ा बहुत लटका हुआ बस दिख रहा है। लक्ष्मी जी, गणेश जी, पूजा पूरा हो गया। एक यही पूजा होता है जिसमें मिस्टर भी पूजा साथ में करते हैं, वरना वो अकेले कर लेते हैं, वो पूजा किसी और के साथ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अभी मिस्टर गए हैं बाहर सब लोग से मिलने, तो कचौड़ी तले साथ में, खाना भी सब लोग खा ले, खा के फिर चलेंगे छत पे। अभी कचौड़ी तल रहा है, तो कचौड़ी तल ले फिर सबको खाना देते हैं, काफ़ी देर हो गया तो बाहर सब लोग आ गए थे, तो चले गए हम लोग भी, खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। पटाखे की आवाज़ आ रही है, ये रही आज की थाली खाना की। ये दही बड़ा है, बगल से आया है,
तो दही बड़ा बना लिए हैं, कचौड़ी अभी थोड़ा बहुत बनाना है तो देते हैं बच्चों को और इनको खाना। और दही बड़ा ज़्यादा ही आ गया है तो हम लोग खा लेते हैं। दही बड़ा बनता होगा हम लोगों के यहाँ तो दिवाली पे नहीं बनता, तो बगल से आया है दही बड़ा तो और चार चांद लग गया। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और खूब सारा प्यार दीजिए मेरे आज की इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।